आइए, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट बन के देखिए। ये सा खिला खिला सा साबूदाना खिचड़ी रेडी हो गई है। आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो अपने फैन और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देख सकते हैं बहुत ही खिली खिली सी बन के ये रेडी हुई है फ्रेंड। ये देखिए लुक भी इसका इतना डिलिशियस दिख रहा है, यम्मी सा। देखिए माशाल्लाह। और इसके ऊपर से मैं थोड़े से गार्निशिंग के लिए इस तरीके से पीनट डाल दी हूँ। और ये यहाँ पे हम रख देंगे लेमन। ये देखिए हमारी आज की बनके रेडी हो गई है साबूदाना खिचड़ी। आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में हैं आप लोग जहाँ भी हो खुशाबाद और अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में चले आइए। आज वेलकम है आपका हमारे किचन में कुकिंग विद फरजाना। तो आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ये है साबूदाना जिसको मैंने अपने 2 से 3 पानी से ऐसे धो के, और इसको इस तरीके से पानी नहीं डाला था, बस धो के इसके अंदर जो इसको भिगाने के लिए रख दी थी, ठीक है। और सुबह में देखी, अभी मैं देखें ये एक एक दाना खिला खिला सा है। तो ये आपको परफेक्ट अगर साबूदाना है। और यहाँ पे देखिए क्यूब में यहाँ पे 8 से 10 हरी मिर्ची और कड़ी पत्ती यहाँ देंगे, जिसको मैंने 1 स्पून फ्राई पैन के अंदर तेल डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। क्योंकि भूनने से ना उतना टेस्ट नहीं आता है। आप हल्का सा तेल डाल के फ्राई करेंगे ना, जरा सा एक मिक्सी के अंदर दरदरा पीस लूंगी, ठीक है। ऑयल रेडी रख चुकी हूँ, जिसके अंदर हम ये बटाटे अभी डाल देंगे फ्राउने के लिए, अगर इसमें कर सकते हैं। मेरे पास में बॉयल बटाटा नहीं था, इसलिए मैंने बटाटा एक बॉयल भी डाल सकते हैं। बहुत से ज्यादा करके लोग इसमें बॉयल बटाटा के डालना पसंद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बॉयल इतना अच्छा नहीं लगता है। अगर हो तो आप यूज कर सकते हैं। अब ये बटाटे के ऊपर मैं हल्का सा नमक डालूंगी कि जिससे बटाटे हमारे फीके नहीं लगे और खाने में भी थोड़े अच्छे नमकीन टेस्ट आए। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दी हूँ, ठीक है। ये सेंधा नमक है, आप इसको उपवास में भी, और बहुत ही हेल्दी है, बच्चे खाते नहीं है तो बच्चों को ज़रूर बना के दे डाइट में साबूदाना, बहुत ही हेल्दी है। इसकी खीर भी बनती है, इसके ब्रेकफास्ट नाश्ते भी बनते हैं, बहुत सी चीज़ें साबूदाने की बनती है। तो आज मैं मेरे घर के अंदर साबूदाने का खिचड़ी नाश्ते में बना रही थी, तो मैं सोची क्यों ना अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करूं। जैसे ये बटाटों पे अच्छा सा एक गोल्डन कलर आएगा, हम इसको निकाल लेंगे। और बहुत ही सब सामान अगर आप तैयार करके रखेंगे तो ये 7 से 8 मिनट में आपका ये खिचड़ी बनके रेडी हो जाती है। हेल्दी हेल्दी मज़ेदार यम्मी सी बनाएं खाएं। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है तो ज़रूर कॉमेंट करके बताएँ। रेसिपी अच्छी लगे, अगर चैनल पर हमारे नवे हो तो बेल आइकन दबा के ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें प्लीज़। ये देखिए एक जैसे गोल्डन कलर आएगा, इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, इसको मैं अब निकाल लेती हूँ। और ऑयल इतना नहीं डालूंगी मैं इसमें से, भी ऑयल मैं कम कर दूंगी। ये बटाटे फ्राई करना था करके मैंने थोड़ा ऑयल ज़्यादा रखी थी, अभी इसके अंदर से हम ऑयल को कम कर देते हैं। और जो मैंने अभी आपको पीनट बताई फ्राई करा हुआ सेम, उसको भी हम अभी पीस लेते हैं मिक्सी में दरदरा सा। तो चले आइए, देखिए मैंने ऑयल इसमें से निकाल दिया 1 स्पून। अब इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, 1 स्पून भर के ज़ीरा डालेंगे हम। और जीरे को बहुत ही अच्छे से खुशबू आने देंगे, गैस का फ्लेम को स्लो रखेंगे। और आप चाहे तो इसे वाइट भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे पीला भी बना सकते हैं थोड़ी हल्दी डाल के। तो मैं भी इसके अंदर थोड़ी सी टर्मरिक डालूंगी। और यहाँ पे अभी हम डाल देंगे हरी मिर्च और कड़ी पत्ता जो रखेंगे। हरी मिर्च कड़ी पत्ता जैसी होएगा तो हम इसके साथ में आलू भी डाल देंगे जो अभी कम फ्राई करके निकाले हैं, जो जीरे के साथ में बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाए। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी 1 पिंच भर के हल्दी। ये देखें
बस। और इसका थोड़ा फ्लेवर खट्टा मीठा अच्छे से आने के लिए इसके अंदर मैं थोड़ी सी, ये देखिए बहुत ही कम शुगर डालूंगी, और इसमें बाद में हम लेमन भी डालेंगे। अगर आपके पास में टैट्रिक एसिड है तो आप वो नींबू का फूल वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, क्योंकि पहले मैंने बटाटों में डाली थी, और अभी हम साबुदाने के हिसाब से नमक डालेंगे इसके अंदर, और ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे माशाल्लाह। और अब यहाँ पे जो साबुदाने हैं हमारे खिले खिले से, देखें माशाल्लाह, इसको हम डाल देंगे, और इसको अभी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, ज़रूर बच्चों को बना के दे, बच्चे खाते नहीं हैं आजकल। बच्चे लोगों को बाहर का बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, मैगी ये सब खाते हैं, जो सेहत के लिए रोज़ रोज़ डेली अच्छा नहीं होता है, वो हानिकारक होता है। कभी कभार खा लिए वीक में तो चलो ठीक है, रोज़ रोज़ डेली ये रूटीन बच्चों की ना बनाए, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि पेरेंट्स को बच्चों को किस तरीके से अलग अलग तरीके से खाना बना के देना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर बच्चे आपके भी बहुत ही शौक से खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और ये ना कड़ी लीव्स बहुत ही, देखे बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही यम आता है। और कड़ी पत्ते भी हमारे डाइट के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। जिसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बीपी होता है, तो वो सुबह में 7 से 8 कड़ी पत्ते डेली खूब अच्छे से चबा के पानी पिए फ्रेंड, तो बहुत ही हेल्दी होता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं देखें ये जो थोड़े पीनट्स हैं ना, तो मैं ऐसे ही डालूंगी, और इसको मैं मिक्सी में दरदरा सा पीस ले, तो 2 से 3 मिनट मैंने ढक दी, और इसको इसका कलर खुद ही चेंज हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जो देखे फ्राई करे हुए पीनट थे उसको भी मैंने पीस के ले आई, जो हम इसके अंदर डाल देंगे माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और पीनट में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कैल्शियम और प्रोटीन से भरा हुआ है माशाल्लाह। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 लेमन और कोथमीर कट करके, डाल देंगे। देखिए ये मैंने आधा नींबू ली हूँ, नींबू में बहुत ही अच्छा रस है। 1/2 लेमन डाल दी मैंने, बीज निकाल देना है, बीज बिल्कुल भी नहीं डालना है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा टेंगी फ्लेवर से एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट आपका बनके ये रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, अपने फैमिली में भी ज़रूर शेयर करिएगा हमारी रेसिपी। आपके कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसे मैं 2 से 3 मिनट ऐसे रखूँगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चले आइए, बन के रेडी हो गए। चले अभी आपको हम डिश आउट करके दिखाते हैं, देख सकते हैं एक एक दाना खिला खिला सा। अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चले आए अब इसकी आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं हम। ये देख सकते हैं बन के रेडी हो गया है हमारा आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट। श्रावण का महीना है, आप उसके व्रत में भी बना सकते हैं। मैंने भी इसमें सेंधे नमक, इंशाल्लाह फिर एक ऐसे रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।